नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पीएम मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया है। आगरा में भी कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मिला है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संदिग्ध डॉक्टर का बेटा है, जिसके बाद डॉक्टर की टीम और प्रशासन के अधिकारियों ने कोरोना संक्रमित को इलाज के लिए SN अस्पताल भिजवाया और पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने का आदेश दिया है। अमेठी में कोरोना वायरस संक्रमण को मद्देनजर रखते जामा मस्जिद के इमाम ने लोगों से घरों में नमाज करने की अपील की है। इमाम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। साथ ही शासन ने लोगों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में बीते दिनों पुलिस वालों ने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की थी। इस बदसलूकी के बाद गुस्साए डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के बीच एक ने OPD में जाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं अस्पताल में इमरजेंसी सेवा बंद होने की भनक लगते ही सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच गए। यहां उन्होंने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बात नहीं मानी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए हमीरपुर प्रशासन ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से सभी मोहल्लों के इमामों ने लोगों से कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिदों में ना आए, पांचों टाइम की नमाज घरों से ही अदा करें। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद कानपुर में DM और SSP ने शहर का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान DM ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है और लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही जरूरतमंदों के सामान खरीदने के लिए सड़कों पर गोला बनाकर उन्हें उसमें खड़ा किया। लॉकडाउन के बाद से ही महाराजगंज की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के लोग काफी चौकन्ने दिखाई दे रहे हैं। किराना, मेडिकल और जरूरी सामानों की दुकानों के अलावा सारी चीजें बंद हैं। लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए DM और SP भारी पुलिस बल के साथ कई जगहों पर जा रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों ने सुनौली सीमा का भी निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन का अनुपालन सभी जनता के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से सतर्क भी है। लोगों को समझाया बुझाया भी जा रहा है, अपील भी की जा रही है। जहां सख्ती की जरूरत हो रही है वहां सख्ती भी कराई जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ राहत कार्यों में ड्यूटी पर लगाए गए 5 अधिकारियों पर DM ने कार्रवाई की है। दरअसल इन अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगा है। इस मामले में ADM ने जानकारी देते हुए कहा कि इन लोगों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था, लेकिन लापरवाही बरतने पर इन अधिकारियों के खिलाफ एडवर्सिटी दी गई है। साथ ही उनके खिलाफ विभागों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इनको जो है मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई थी और ऐसे में जबकि ये राष्ट्रीय आपदा घोषित है, हर किसी को अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहना चाहिए था, तो जिलाधिकारी महोदय इनको एडवाइस दी गई है करने के लिए और इनके विभागों को इनकी प्रति भेजी गई।